हॉलीवुड थ्रिलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग व्हेन इविल लर्क्स। क्या हो जब एक इविल का अंत ही उसकी असली शुरुआत हो। आज तक आपने जितनी भी इविल कहानियां सुनी या फिर देखी होंगी, उसमें कहीं ना कहीं इविल को खत्म करने का कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है। मगर क्या हो जब वही इविल आपके डर के साथ खेलना शुरू कर दे, हर उस चीज को छीनना चालू कर दे जिसे आप प्यार करते हो। ऐसी शानदार और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट और टर्न से भरी है आज की कहानी, जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से घर में पेड्रो और जेमी नाम के दो भाइयों को दिखाते हुए होती है। रात को अचानक उन्हें जंगल में गोलियां चलने की आवाज आती है। दोनों भाई मिलकर रात को वहां जाने की सोचते हैं, लेकिन देर रात जंगल में जाना सेफ नहीं होता, इसीलिए वो सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह दोनों भाई अपने डॉग को लेकर जंगल में जाकर खोजबीन चालू कर देते हैं और थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उनको बीच से कटी हुई एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी को देखकर जेमी को रुइज नाम के एक आदमी पर शक हो जाता है जो इस जमीन का मालिक है, लेकिन बॉडी की हालत को देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। तभी जेमी को डेड बॉडी के पास एक सूटकेस मिलता है जिसमें कुछ अजीबोगरीब सामान के साथ एक मैप होता है। मैप पर पॉइंट की हुई लोकेशन को देखकर पेड्रो तुरंत समझ जाता है कि ये जगह तो उनके पास में रहने वाली एक लेडी का घर है, इसलिए दोनों भाई मिलकर उस लेडी के घर इस घटना के बारे में पूछने पहुंच जाते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। लेडी से पूछने पर उनको पता चलता है कि वो व्यक्ति एक क्लीनर था, यानी कि इसे हम आम भाषा में प्रीस्ट कह सकते हैं। उस क्लीनर को लेडी ने अपने घर बुलाया था ताकि वो उसके बेटे यूरियल को खत्म कर सके, क्योंकि यूरियल काफी लंबे समय से एक रॉटन बन चुका है, यानी वो एक मोटे भद्दे से बॉडी में बदल चुका है जिसकी बॉडी से पस लगातार बहरा होता है। दरअसल यूरियल की बॉडी को एक इविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया था। आगे की कहानी को समझने के लिए कुछ चीजें पहले ही जान लेते हैं जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। रॉटन एक ऐसी बॉडी को बोलते हैं जिसको इविल ने पजेस कर लिया हो। इविल उसे तब तक तड़पाता है जब तक उसको या तो कोई क्लीनर या फिर कोई दूसरा व्यक्ति ना मार दे, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको मार दिया तो ये इविल आत्मा या तो उसकी या फिर उसके नजदीकी लोगों की बॉडी को पजेस कर लेती है। पेड्रो गुस्से में लेडी से पूछता है कि अब तक तुमने इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया था। जवाब में लेडी बताती है कि हाँ, एक साल पहले उसने चर्च में इन्फॉर्म कर दिया था और तब से हम मदद का इंतजार कर रहे हैं। पेड्रो लेडी और उसके बेटे पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन इस सिचुएशन में वो भी कुछ कर भी नहीं सकता है, इसीलिए दोनों भाई मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, मगर पुलिस उल्टा उनसे सवाल जवाब चालू कर देती है। तभी बातों ही बातों में पेड्रो और पुलिस वाले के बीच झड़प हो जाती है। जेमी अपने भाई को रोकता है, लेकिन पुलिस वाले भी इस केस में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसीलिए वो पब्लिक हेल्थ वालों को कॉल करने की बात कहते हैं, क्योंकि जब तक वो इस बात को कंफर्म नहीं करेंगे तब तक इस केस में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक छोटा सा इलाका है जहाँ पुलिस लगभग हर एक व्यक्ति को पर्सनली जानती है। अब वो शक के तौर पर रुइस का नाम लेते हैं, क्योंकि जिस लैंड पर ये सारी घटना हुई थी वो रुइस की है, इसीलिए शक की सुई उस पर जा अटकती है। पुलिस स्टेशन से दोनों भाइयों को निराशा ही हाथ लगती है। कोई और रास्ता ना होने की वजह से दोनों भाई मिलकर रुइस को जाकर रॉटन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। यहाँ हमको रुइस की बातों से समझ आता है कि सब लोग उस पर शक क्यों करते हैं। दरअसल रॉटन और उसकी फैमिली जबरदस्ती रुइस की जमीन पर रह रहे होते हैं। ये बात रुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए सबको लगता है कि जिसकी बॉडी जंगल में मिली थी उसको रुइस नहीं मारा है। मगर ये सच नहीं है, क्योंकि कोई और ही है जो इन सबके पीछे है, और वो जो भी है वो नहीं चाहता है कि क्लीनर रॉटन के घर तक पहुंचे। मगर रुइस को रॉटन वाली बातों पर भरोसा नहीं होता, उसको लगता है कि ये सब उससे उसका लैंड छीनने की एक चाल है। रात को गुस्सा है रुइस रॉटन को मारने के लिए उसके घर जा पहुंचता है, लेकिन रॉटन की माँ उसको ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि ऐसा करने पर वो इविल उनकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेगा और उनको भी ऐसे ही तड़पाएगा। रॉटन के अंदर जो इविल आत्मा है वो लोगों के डर के साथ खेलती है, लोगों के डर का इस्तेमाल करके उनके दिमाग को मैनिपुलेट करती है। रॉटन रुइस को उसको मारने के लिए उकसाता है ताकि वो आजाद हो सके। रॉटन उससे कहता है कि मार दो मुझको ताकि मैं तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे को मार सकूं। मगर रुइस बड़ी हिम्मत करके खुद को संभालता है और बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। सुबह होते ही रुइस की वाइफ जेमी और पेड्रो को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन अब तक रुइस रॉटन को शिफ्ट करने का फैसला कर चुका था, इसीलिए वो इस काम के लिए पेड्रो और उसके भाई की मदद मांगता है। जैसे तैसे करके रुइस और दोनों भाई मिलकर रॉटन को ट्रक में रखकर दूर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद ये तीनों लोग रॉटन को फेंकने के लिए ट्रक से नीचे उतरकर पीछे देखते हैं,
लेकिन रास्ते में बीच बच्चे के आ जाने की वजह से रॉटन तो बीच में ही कहीं गिर चुका था। हालांकि रुइस जो चाहता था वो काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो लोग अपने घर वापस आ जाते। अगली सुबह रुइस की वाइफ अब जोर से चिल्लाते हुए घर के अंदर भागती है। अपनी वाइफ की आवाज सुनकर रुइस बाहर जाकर अपने जानवरों के बीच एक बकरी की अजीब सी हरकत को नोटिस करता है। उसको देखने से साफ पता चल जाता है कि उसको इविल ने पजेस कर लिया है। गुस्साए रुइस अपनी बकरी पर गन तान लेता है। तभी हम देखते हैं कि मानो वो बकरी रुइस को कह रही हो कि मुझको शूट करके मार डालो और मैं तुम्हारे पूरे घर को खत्म कर दूंगी। लेकिन इस बार रुइस अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और बकरी को शूट करके मार डालता है। रुइस बिल्कुल वही कर देता है जो वो इविल चाहता था। इविल एक बॉडी को छोड़कर दूसरी में एंटर कर जाता है। तभी पीछे से रुइस की वाइफ आकर कुल्हाड़ी से रुइस को मार डालती है। रुइस को मारने के बाद वो खुद को भी सर में कुल्हाड़ी मारकर मार देती है। ऐसे करके रुइस की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। एक इविल अपनी पावर्स की मदद से किसी का भी दिमाग मैनिपुलेट कर सकता है और इसकी मदद से उसने एक एक करके रुइस की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। रात के समय रॉटन का छोटा भाई आकर पेड्रो और उसके भाई से रुकने के लिए मदद मांगता है। साथ ही वो उनको रुइस की फैमिली के साथ जो हुआ उसके बारे में भी बता देता है। जेमी को उस पर शक हो जाता है, लेकिन पेड्रो उसको स्टोर रूम में जाकर सोने के लिए कह देता है। मगर जाते जाते वो लड़का उन्हें इलेक्ट्रिकल चीजों से दूर रहने को कहता है। उस लड़के ने ऐसा क्यों बोला ये हम कहानी में आगे जानेंगे। कहीं ना कहीं पेड्रो और जेमी आगे आने वाले खतरे को भांप चुके थे, इसलिए दोनों भाई मिलकर अगली सुबह ही इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही पेड्रो जेमी से अपने सभी सामान को यहीं छोड़ने के लिए बोल देता है, ताकि किसी भी तरह से इविल का अंश टाउन या फिर जिस जगह भी वो जा रहे हैं वहां तक ना पहुंच जाए। अगली सुबह पेड्रो सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ के घर जाकर अपने सारे कपड़े उतार कर उनमें आग लगा देता है। मगर घर पहुंचते ही पेड्रो की एक्स वाइफ उससे लड़ने लगती है कि तुम अब क्यों मेरी जिंदगी खराब करने आए हो। इसी बीच हम देखते हैं कि पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी जिसका फादर उसका नया हस्बैंड है उस पर अचानक से उनका पेट डॉग हमला करके अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। दरअसल पेड्रो के कपड़े को जलाने से पहले उस डॉग ने उन कपड़ों को चाट लिया था जिस वजह से उस इविल ने उसको पजेस कर लिया और उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड डॉग के पीछे भागना चालू कर देते हैं। पेड्रो उसको समझाता है कि डॉग के ऊपर गन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन हमको पता है कि ऐसे समय में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद पेड्रो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड ने डॉग को शूट कर दिया है। मन ही मन पेड्रो परेशान हो जाता है क्योंकि उसने वही काम कर दिया था जो उसको नहीं करना चाहिए था। पेड्रो घर वापस आकर बड़ा हैरान होता है क्योंकि वो छोटी बच्ची बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ चुकी थी। बच्ची को देखकर उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी वो बच्ची अचानक से एक अजीब सी बात बोलती है कि अभी पापा कार से आकर आपको मार देंगे। इसी दौरान पेड्रो अपने दोनों बेटों को लेकर अपने एक्स वाइफ के गैराज से एक कार को लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि पेड्रो की वाइफ का हस्बैंड ट्रक से आकर उसकी वाइफ को ठोक देता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस एक्सीडेंट को देखकर वो बच्ची खुश हो रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस बच्ची को भी इविल ने पजेस कर दिया है। पेड्रो जल्दी से गाड़ी को चालू करके अपने दोनों बेटों के साथ टाउन से बाहर निकलकर सीधे अपनी मॉम के घर जा पहुंचता है, जहां जेमी पहले आ चुका था। जल्दी पेड्रो अपनी मॉम और भाई को लेकर टाउन से दूर निकलने के लिए चल पड़ता है। गाड़ी में चलते हुए पेड्रो का छोटा बेटा अपनी दादी से पजेशन के बारे में पूछने लगता है। उसकी दादी उसको बताती है कि पजेशन या पजेस्ट इविल बॉडी से बचने के लिए 7 नियम है जो कि कुछ ऐसे हैं। पहला, इलेक्ट्रिक आइटम से दूर रहें। इसीलिए वो लड़का पेड्रो और जेमी को इलेक्ट्रिकल आइटम से दूर रहने को बोल रहा था। दूसरा, जानवरों से दूर रहें। तीसरा, पजेस्ट बंदे की किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करे जो उसको बहुत पसंद हो। चौथा, उन्हें हर्ट ना करे। फिफ्थ, कभी भी किसी भी इविल को उसके नाम से मत पुकारो, जैसे लूसिफर, एज्रेल एक्सेट्रा। छठा, कभी भी किसी इविल या पजेस्ट को गन से नहीं मारो। और सातवा यानी कि लास्ट, कभी भी तुमको किसी से डरना नहीं है, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। ये सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी हम देखते हैं कि पेड्रो का बेटा जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, यानी ऐसा बच्चा जिसे ऑटिज्म नाम की बीमारी है, वो जो अभी तक किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, वो अचानक से इविल का नाम लेने लगता है। इसके कुछ समय बाद अचानक से पेड्रो की मॉम के फोन पर उसकी एक्स वाइफ का कॉल आ जाता है, जो कि नामुमकिन है क्योंकि जिस तरह से वो कार से टकराई थी उससे किसी का भी बचना नामुमकिन था। कॉल पर पेड्रो की एक्स वाइफ उसको काफी भला बुरा कहती है, साथ ही उसको डराते हुए कहती है कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए जरूर आएगी। पेड्रो इससे हताश होने लगता है, मन ही मन वो खुद को इन सब का दोषी मानने लगता है।
तभी जेमी आकर उसको समझाते हुए शांत करता है। ये लोग टाउन से तो निकल आए हैं, लेकिन इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। जेमी पेड्रो को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मिर्टा नाम की एक लेडी रहती है, जिसको वो जानता है। वो उनके रुकने में जरूर मदद करेगी, साथ ही कुछ पैसे भी दे देगी। इसीलिए ये सभी लोग मिर्टा के घर पहुँचते हैं, जो एक क्लीनर भी रह चुकी है और वो आज भी सारे रूल्स फॉलो करती है। मिर्टा उनको अपने यहाँ पर रुकने के लिए बोल देती है। इसके कुछ समय बाद जेमी अब तक की सारी घटना के बारे में उसको बता देता है। यहाँ पर हम पेड्रो और उसके भाई जेमी को भी आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। तभी अचानक रात के समय पेड्रो की एक्स वाइफ वहाँ आकर पेड्रो के छोटे बेटे को अपने साथ लेकर बालकनी से कूद कर वहाँ से गायब हो जाती है। पेड्रो अपने छोटे बेटे के लिए काफी परेशान होता है, लेकिन मिर्टा फॉर्मर क्लीनर होने की वजह से पहले भी पजेस्ड लोगों को देख चुकी है। अचानक पेड्रो के बड़े बेटे को देखकर वो समझ जाती है कि ये भी पजेस्ड हो चुका है। मिर्टा बताती है कि इसकी बॉडी को इविल ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड होने की वजह से इविल अभी पूरी तरह से उसके माइंड की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है, जिस वजह से वो अभी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अभी के लिए इविल उसकी बॉडी में कैद है। तभी मिर्टा अपने क्लीनिंग के सामान को इकट्ठा करते हुए कहती है कि उनको रॉटन को खत्म करना ही होगा, लेकिन जेमी को लगता है कि रॉटन तो अब तक खत्म हो चुका होगा, इसीलिए तो पजेशन हो रहे हैं। लेकिन मिर्टा उसको बताती है कि ये ऐसे काम नहीं करता है, इविल के बॉर्न होने के लिए ये पजेशन हो रहे हैं। जेमी उसको बताता है कि उन्होंने रॉटन को शिफ्ट किया था, जिस पर मिर्टा बोलती है कि ये तुमने और भी गलत किया। अब बेचारे ये भी क्या करते, क्योंकि रूइस ने इनको प्रेशराइज किया था। जेमी पेड्रो की एक्स वाइफ और उसके बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं पेड्रो और मिर्टा रॉटन की तलाश में निकल जाते हैं। ये सफर काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इविल पजेशन पूरे टाउन में फैल चुका है। इसके साथ ही इन्हें सारे रूल्स को भी फॉलो करना है। यहाँ मिर्टा बताती है कि हम जिस भी चीज से डरेंगे, इविल उसी चीज को फेस करवाएगा। इसलिए पेड्रो की एक्स वाइफ उसके बच्चे को उठाकर ले गई, क्योंकि वो उसी के लिए डर रहे थे। सफर में साथ चलते हुए मिर्टा अपनी कहानी बताती है कि उसके हस्बैंड एक शेफर्ड थे और चर्च के नाम पर वो लोगों से फ्रॉड किया करते थे। वो एक्टर्स को हायर करके उनसे इविल और रॉटन की एक्टिंग करवाते, लेकिन इसी बीच एक दिन असली पजेस्ट वहाँ पर आ गया। इसके बाद वो लोग सुधर गए और क्लीनिंग चालू कर दी। एक दिन उसके हस्बैंड क्लीनिंग के लिए गए और कभी वापस नहीं आए। साथ ही वो बताती है कि वो लोग पजेस्ट हुए बंदों से बच भी सकते हैं, उससे काफी दूर भागकर, इतना कि उन्हें खुद भी पता ना हो। इनफैक्ट उसने भी ऐसा ही किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इविल ने पेड्रो के बड़े बेटे को पूरी तरह से पजेस्ट कर लिया है। वो घर के अंदर पेड्रो की मॉम से अपने लिए खाना मांगता है, विच इज वियर्ड। तभी हम जेमी को देखते हैं, जिसे रास्ते में चलती हुई पजेस्ट पेड्रो की एक्स वाइफ मिल जाती है। वो चलते चलते पेड्रो के छोटे बेटे का सर खा रही होती है। ये देख जेमी अपनी कार से उसको हिट करके क्रैश कर देता है, जिसमें थोड़ी बहुत चोट जेमी को भी आ जाती है। वहीं पेड्रो और मिर्टा रॉटन को ढूंढते हुए एक स्कूल के पास जा पहुंचते हैं, जहां कुछ बच्चे अजीब सी हालत में मिलते हैं। मिर्टा उनको देखकर समझ जाती है कि ये सभी बच्चे पजेस्ट हैं। साथ ही हम बिल्डिंग के आसपास किसी की परछाई को भी नोटिस कर पाते हैं। तभी एक बच्ची उनके पास आकर कहती है कि रॉटन को उसके पिता अपने साथ घर ले गए हैं। दरअसल ये सभी बच्चे पजेशन के चलते उनसे झूठ बोल रहे होते हैं। मिर्टा और पेड्रो दोनों को स्कूल के अंदर एक फ्लोर के नीचे कई सारे लोगों की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें इन्हीं बच्चों ने मारकर यहाँ पर फेंक दिया था और उनके नीचे रॉटन छुपा हुआ था। मिर्टा अपने क्लीनिंग का सामान को सेटअप करती है और पेड्रो को नीचे से रॉटन को बाहर निकालने के लिए कहती है। यहाँ खुद को बचाने के लिए इविल पेड्रो के माइंड को मैनिपुलेट करने लगता है। साथ ही वो बच्ची भी पेड्रो को झूठ बोलकर एक कमरे में बंद कर देती है। बाहर झांकने पर पेड्रो देखता है कि बच्चों ने मिलकर मिर्टा को मार डाला है। वो उसे घसीट कर ले जा रहे हैं। पेड्रो गेट तोड़कर बाहर निकलकर गुस्से में रॉटन को मार डालता है, लेकिन ये कोई एंड नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि यही तो वो रॉटन या इविल चाहता था, ताकि वो आजाद हो सके और उसका काम पूरा हो चुका है। इविल अपने पूरे फिजिकल फॉर्म में पैदा होकर पेड्रो के सर पर हाथ फेरता है, क्योंकि उसने ही उसके पैदा होने में मदद की होती है। इविल बॉर्न होकर बाहर की दुनिया में तबाही मचाने के लिए निकल जाता है। पेड्रो घर वापस आ जाता है। अब तक जेमी भी घर पहुंच चुका था। दोनों भाई गले लगकर दुखी होते हैं, क्योंकि अब तक वो समझ चुके थे कि अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से वो अपनी हार को कबूल कर चुके हैं। यहाँ से अब कहीं जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये इन्फेक्शन या पजेशन
धीरे धीरे पूरे टाउन और सिटी में फैलेगा, जिससे वो अब चाहकर भी नहीं बच सकते हैं। तभी उनको याद आता है कि उन्होंने रॉटन के छोटे भाई को स्टोर रूम में छुपा रखा है। जेमी जाकर उससे मिलता है और यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। वो बताता है कि क्लीनर को मारकर खाने के लिए उसे एक आवाज ने कहा था। ऐसे ही उसने अपनी माँ के साथ भी किया था। जिसके बाद हम वहीं पर पेड्रो को देखते हैं, जो अपने बेटे को एप्पल आइसक्रीम देकर नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ उसके साथ एक बड़ी अजीब चीज होती है। दरअसल उसके माथे से वो निशान जा ही नहीं रहा था जो इविल ने उसको दिया है, यानी कि वो मार्क अब परमानेंट हो चुका है। तभी अचानक से पेड्रो के बेटे के गले से कफ निकलने लगता है, जिसको साफ करते वक्त पेड्रो देखता है कि इसमें तो बाल और उसकी माँ का लॉकेट है, यानी कि पजेस्ट होकर पेड्रो के बेटे ने अपनी दादी को मार डाला है। ये सब देखकर पेड्रो घर के बाहर आता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यहाँ पर एंड हो जाता है। दरअसल ये इविल किसी भी एक बॉडी को पजेस करके पूरे टाउन या सिटी में लोगों को तब तक मारता है जब तक कोई और आकर उस बॉडी को खत्म ना कर दे। इससे वो किसी और बॉडी को पजेस कर लेगा। ऐसा करके वो उन सभी बॉडी से एनर्जीज चुरा रहा है ताकि वो जल्दी से पैदा हो सके। इस कहानी का कॉन्सेप्ट अब तक की सभी इविल कहानियों से अलग है। मतलब इस कहानी में कुछ ऐसा डर है जिसको सोच कर ही डर लगने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।